हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, यहां पे लगभग 750 प्लस एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। यहाँ पे लगातार बिहार दरोगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्लासेस चलते रहता है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी को पता लग सके। दोस्तों, ये आज आप इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार दरोगा जो अभी एग्जाम हुआ है, बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग है। तो आपको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। उससे पहले फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग के लिए स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट बना लिया गया, यहाँ से क्लासेस का पीडीएफ डेली आप लोग के लिए अपलोड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या नोटिस जारी किया गया है उस चीज को सबसे पहले देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आयोग के द्वारा 1/2019 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी था उसका यहाँ पे आ गया है दोस्तों। क्या आ गया है वो चीज को हम लोग देखने वाले हैं। पूरा पीडीएफ में यहाँ पे आ चुका है रोल नंबर वाइज, जिसका एग्जाम दोस्तों 22/12/2019 रविवार को 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका बहुत से स्टूडेंट, कहने का मतलब 276 स्टूडेंट को ने जो है आयोग 276 स्टूडेंट को आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे रोल वाइज यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है एजुकेशनल चैनल है, और यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है 100% रियल नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। तो आ जाइए, हम लोग बिहार पुलिस ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं, bpssc.bih.nic.in पे। यहाँ पे देख सकते हैं आज ही के डेट में, यानी 18 तारीख के डेट में एक पब्लिश यहाँ पे नोटिस जारी किया है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1/2019 शर्तों के विरुद्ध एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की अस्वीकृत किए जाने के संबंध में। यहाँ पे तो हिंदी में ये लिख रखा है, और यहाँ पे इन्होंने आयोग ने गलत लिख दिया है दोस्तों। देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म हु हैड सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और 2/2019। ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्योंकि दोनों पे क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ जो है वही डाउनलोड होता है। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2019 का है, जो कि बिहार दरोगा का है दोस्तों, और ये हिंदी वाला पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये भी आपको वही आता है 1/2019, जो कि यहाँ पे ये भी बिहार दरोगा का है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ दोस्तों कि ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो 22 तारीख का एग्जाम हुआ उसमें यहाँ पे देख सकते क्या लिखा गया है, बिहार पुलिस अवर आयोग द्वारा पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी सहायक कारा अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के लिए रिक्त पदों के लिए विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2019 के क्रम में दिनांक 22/12/2019 रविवार को संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था। परीक्षा के उपरांत जांच के क्रम में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन पत्र भरा है जो विज्ञापन के शर्तों का उल्लंघन करता है। अतः आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को 276 ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाते हैं। इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर वाइज यहां पे दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट अगर किन्हीं का ये केस है तो डायरेक्ट ये चेक करके देख सकते हैं आपका भी इस लिस्ट में नाम है या नहीं। ठीक है दोस्तों, बिहार सब इंस्पेक्टर का दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम हुआ 22 तारीख का, उसी में ये चीज को देखा गया। तो यहाँ पे इन्होंने आयोग ने 276 एप्लीकेशन को जो है रोल नंबर वाइज यहाँ पे दे रखा है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इस पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं 18/1 जो है आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को सबसे पहले बेहतर होगा लगा होगा दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक बिहार का स्टडी चैनल है, और इसको सपोर्ट कीजिए, आप लोग को हमेशा सपोर्ट करने में हेल्प करने में मदद करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।